नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं, रूबिका लियाकत। बहस के नंबर वन शो ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर में अब तक जो अलगाववादी, पत्थरबाज, डिजाइनर नेता और डिजाइनर पत्रकार आतंक को आजादी की जंग का नाम देते रहे, उस कम्बल में उसे ढांकते रहे, उन्हें खुद एक आतंकी ने बुरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। जाकिर मूसा, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जाकिर मूसा ने यह साफ कर दिया है कि कश्मीर में आजादी के नाम पर जो खून बहाया जा रहा है वो कश्मीरियों के हित के लिए नहीं, बल्कि ये कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश है। ये लड़ाई धार्मिक है। कल जाकिर मूसा का एक ऑडियो टेप सामने आया था जिसमें उसने कहा है कि कश्मीर में शरिया कानून लागू होकर रहेगा और अलगाववादी उनके रास्ते में कांटा बने तो उनके सर भी काट दिए जाएंगे। और आज उसी जाकिर मूसा ने एक और ऑडियो टेप जारी करके कहा है कि अगर अलगाववादी कश्मीर में शरिया कानून लागू करेंगे तो वो उसके साथ है। आतंकी जाकिर की बातों ने जी न्यूज की बातों पर एक बार फिर से मोहर लगाई है। हमने कई मर्तबा कई बार बताया है कि कश्मीर में आंदोलन के नाम पर जो हिंसा हो रही है, ह्यूमन राइट्स के नाम पर बार बार जो लोग आगे आ रहे हैं, इन सब का संबंध कश्मीरियों की भलाई से नहीं बल्कि हिंसक वहाबी विचारधारा से है। जमाने के लिए उसी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए आतंकी मूसा ने हुर्रियत को धमकी दी है। मतलब ये कि कश्मीर में आतंकियों और पाकिस्तान ने कश्मीर में लड़ाई का एजेंडा बदल दिया है और अब आतंकी अलगाववादियों को पीछे करके खुद लीडर बनना चाहते हैं और इसी एजेंडे के तहत कश्मीर में सिविलियन और सैनिकों का रोज खून बहाया जा रहा है। और इसीलिए आज ताल ठोक के पूछेंगे कि कश्मीर में क्या अलगाववादी पाकिस्तान और आतंकियों का भरोसा जीतने में नाकामयाब हुए? क्या माना जाए कि आतंकियों की धमकी अलगाववादियों को उनके देश से गद्दारी की सजा है? और सवाल ये कि कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश पर सरकार का मौन व्रत कब टूटेगा? खास मेहमानों से आपका परिचय करवाऊं, उससे पहले ये रिपोर्ट। ये लोग सियासी लीडर है, आप लोग इनको इस्लामी लीडर ना कहें, ये हमारे लीडर नहीं हो सकते हैं। और इनको अपनी सियासत चलानी हो ना तो हमारे रास्ते में कांटे ना बने, हमारे शरीयत के रास्ते में, वरना हम लोग इनके गले काटेंगे पहले, लाल चौक में इनको लटकाएंगे पहले। बहुत दिनों से जो राजनीति कर रहे हैं हुर्रियत के नेता, उनको इस बात को समझ लेना चाहिए और अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। जो कश्मीर की जंग है, खासकर हम मुजाहिदीन इस्लामी की, ये सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए है। ये जो दोनों पार्टीज हैं, ये सेपरेटिस्ट और ये जो हिजबुल हैं, ये दोनों एक ही पेड़ के अलग अलग पत्ते हैं। आपका एजेंडा एक ही है और वो एजेंडा है कि कश्मीर के प्रॉब्लम को जलता रखना है आपको। मतलब आज के बाद हिजबुल मुजाहिदीन से मेरा कोई वास्ता नहीं है। These groups will present a sustained threat to the United States interests in the region and continue to plan and conduct attacks in India and Afghanistan. अपने बयान पे पूरा स्टैंड हूँ। बाकी अगर गिलानी साहब या जो बाकी जो भी है, उनका मतलब ये इंटेंशन है कि आज़ादी बराए इस्लाम, आज़ादी मिलेगी तो हम शरिया कायम करेंगे यहाँ पे, तो मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। ये अफसोस की बात है और मैंने हमेशा से हमारा ये मानना है कि जंग और कन्फ्रंटेशन इस तरह से गोलाबारी से सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है हमारी रियासत का होता है, हमारे लोगों का होता है। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, देश से गद्दारी हुर्रियत को पड़ी भारी? दूसरा सवाल, कश्मीर में आतंक हारा, अब इस्लामिक स्टेट का सहारा? तीसरा सवाल, कश्मीर में बगदादी मॉडल पर बुलडोजर का? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, बुरहान की मौत, कब मरेगा मूसा? सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन जवाब नहीं मिल रहा और शायद इसीलिए आज ये बहस।
शाहनवाज हुसैन साहब बीजेपी के प्रवक्ता है, अटल सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव त्यागी साहब कांग्रेस के प्रवक्ता है, यूपी कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और मीडिया में कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, ये कहने की आपको जरूरत नहीं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। शबनम लोन साहिबा सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है, कश्मीर से ताल्लुक रखती है, कश्मीर के हर एक मसले को बहुत नजदीक से समझती परखती है। तारक फतेह साहब पाकिस्तान मूल के लेखक है, फतेह का फतवा के होस्ट है, पाकिस्तान में इन पर पाबंदी है, आज इनका यहाँ होना बहुत जरूरी। सर आपका भी स्वागत। शबनम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वहां भी विचारधारा को बहुत नजदीक से जानते और समझते हैं, क्या है इनका एजेंडा आज इनकी जुबानी सुनना और जानना जरूरी है। और आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार है, पत्रकारिता में 40 सालों का अनुभव है, 2009 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरू में आप सबको डेढ़ डेढ़ मिनट मिलेगा, इसीलिए शबनम लोन आपके पास में आ रही है। जाकिर मूसा एक ऑडियो टेप, 2 मिनट का मेरे ख्याल से, लेकिन मैसेज क्लियर, ये कश्मीरियत या फिर रूहानियत, इंसानियत, ह्यूमन राइट्स, इन सब को परे कर दिया है, असल जो चीज़ है उसे सामने लाकर रख दिया है कि हमें तो इसे आईएसआईएस का हेडक्वार्टर बनाना है, बगदादी का एक क्वार्टर बनाकर, हेडक्वार्टर बनाकर इसे रख देना है। यानी ये लड़ाई आज़ादी की नहीं, ये लड़ाई तो धार्मिक है, ये धर्म युद्ध कैसे बदल गया? जाकिर मूसा का स्टेटमेंट अब आप सीरियस ना लिया करें। हिजबुल मुजाहिदीन जो सईद सलाहुद्दीन के असर रसूख में है, उन्होंने उसको खारिज कर दिया, उसके स्टेटमेंटों को खारिज कर दिया। जो वो बोल रहा है ये बहुत ख़तरनाक है। और मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ, हमारे कश्मीर से मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, अगर जाकिर मूसा को इंडियन इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही है तो ये लोग ये समझ रहे हैं कि वहाँ पर अब कत्लो गारत शुरू होगी। चूँकि हिजबुल मुजाहिदीन ने यह साफ कर दिया है कि जाकिर मूसा हमारे साथ नहीं है, अगर वहाँ कत्लो गारत शुरू होती है तो वो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सर पे आएगी। हम नवाहबी हैं, हम एतकादी हैं और कश्मीर में वहाबियत को हम कभी जन्म नहीं लेने देंगे। हाँ, वहाबी फंडिंग्स के लिए अगर गवर्नमेंट को काम करना है, ज़रूर पैसा आया है, वो कोई बिजनेसमैन है 2-3 वहां पर जिनके 1,000 करोड़ों के बिजनेस आए हैं, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों पैरालाइज्ड है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? सारे कश्मीर को बच्चे बच्चे को पता है कि ये किन के यहां पैसा आया है। मगर मैं आपको वसूख से कह रही हूं, कश्मीरी वहां भी नहीं है, ये गलत एजेंडा इस्तेमाल किया जा रहा है। हम वहाबियत में कभी यकीन नहीं रखते हैं। गिलानी साहब ने भी आइसिस को कंडेम किया है, हम सब आइसिस को कंडेम करते हैं, हम बगदादी को कंडेम करते हैं और हम कभी भी। शबनम लोन साहिबा एक सेकंड, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब तक ये जुबानी बोल रहा था उन सारे हुर्रियतों की, उन सारे के सारे अलगाववादियों की, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज जब ये असल एजेंडा सामने रख रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से प्लान किया गया है या ये बुलवा रहा है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है? और गिलानी कौन होते हैं ये बताने वाले कि हम आईएसआईएस के साथ हैं या नहीं हैं? वो गद्दारी करते हैं और आज उनको इसका सबक मिल रहा है, एक आतंकवादी उनको डरा रहा है कि मैंने आपको टारगेट दिया, टारगेट पूरा नहीं किया, हमारा नहीं है। तारिक फतेह साहब इस बारे में तारिक फतेह साहब को मैं लाना चाहूंगी, वो भी बहुत नजदीक से इन चीजों को समझते परखते हैं, जरा उनसे बात कर लूं मैं। इस्लामिक स्टेट का खतरा, तारिक फतेह साहब, अब तक हम ये सोच रहे थे कि बहुत दूर है, एक आध 2-4 बच्चे चले जाते हैं लेकिन वो फिर समझ परख कर वापस आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान तो असल में एक्सपोर्ट ही ये कर रहा था वहाबिज्म। देखिए रुबेका, पाकिस्तान तो ओरिजिनल इस्लामिक स्टेट है, बगदादी तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। जिस वक्त पाकिस्तान बनाया गया और लाखों लोगों को मारा गया पाकिस्तान के अंदर और लाहौर जैसे शहर के अंदर एक सिख और एक हिंदू नहीं छोड़ा, तो क्या जब कश्मीर के यहां से सारे पंडित निकाले गए उस वक्त किसी की आंख नहीं खुली थी कि ये एजेंडा क्या है? एजेंडा चाहे बगदादी का हो, चाहे हुर्रियत का हो या जाकिर मूसा का हो, ये सब एक ही चीज है, ये खड़े मसाले का गोश है, किसी में तीखा ज्यादा है, किसी में तीखा कम है। अब ये ना बोल दें कि ये साहब दाल बुनी हुई है, ना, ये एक ही जगह से आइडियोलॉजी निकली है। ये प्री पार्टीशन 1947 से पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, मोहम्मद अली जिना,
यूपी और अवध के नवाब और बिहार और मद्रास और जहां से जिन लोगों ने वोट दे के पाकिस्तान बनाया, उनको चाहिए कि अब जिसको भी इस्लामिक रियासत चाहिए या आजाद चले जाइए बॉर्डर क्रॉस करके। इतना आपका दिल लगा हुआ है हिंदुस्तान और हिंदुओं से दुश्मनी है, भैया जान छोड़ो और चले जाओ अपने पाकिस्तान में। पूरी दुनिया को क्यों अजाब में फंसाया हुआ, लेकिन ना ये जाएंगे और ना ये, क्योंकि $2 बिलियन तकरीबन हर साल मुफ्त का इंडियन स्टेट से मिलता है टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इतनी ज्यादा एड जा रही है टू सस्टेन दीज क्रुक्स। आपको तो चाहिए चुपके से ट्रक में जो ऐसा बोले उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हाँ, वो तो ये कहते ही हैं कि हमें पाकिस्तान पसंद है भाई, उनके कलेजे का टुकड़ा है और हम यहाँ पर उनको 100 करोड़ से ज्यादा का खर्च हर साल उन पर कर रहे हैं। 500 कमरे तारिक साहब यहाँ पर उनके लिए बकायदा हर साल बुक होते हैं, उस पर 500 करोड़ रुपया जो है वो जाया होता है, और उसके बावजूद देखिए आप लगातार ये कहते रहते हैं और वो आतंकवादी इनको धमकाते रहते हैं। बहरहाल अब मैं शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास आ रही हूँ, मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं हुर्रियत गद्दार है, हम उनसे बात नहीं करेंगे, वो आतंकवादी कह रहे हैं हुर्रियत गद्दार है, इनका गला काट के लाल चौक पर लटका दिया जाएगा, ये हो क्या रहा है? अगर हुर्रियत वाकई बिल्कुल काम की नहीं है, वो जबरदस्ती हमारा और आपका पैसा जाया कर रही है, तो कीजिए ना एक्सपोर्ट, खत्म कीजिए मामला। देखिए, हुर्रियत तो पहले से एक्सपोज है, पहले तो पाल पोस के हुर्रियत को लोग रखते थे, हमने तो हुर्रियत को एक्सपोज किया है। हुर्रियत से बातचीत के नाम पर जब पाकिस्तान से बातचीत उनकी हो रही थी तो हमने अपनी बातचीत बंद की है। जहाँ तक शबनम कह रहे हैं कि इंडियन इंटेलिजेंस का एजेंट है, तो ये बहुत एतराज़ का बयान है। इस तरह का, मैं इस तरह के बयान की मजम्मत करता हूँ, इस तरह की भाषा इनको नहीं बोलनी चाहिए। दिक्कत यह है कि शबनम जो है वो हाफ हार्टेड नेशनलिज्म की सपोर्ट करने लगती हैं। जो भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोलेगा, एक तरफ हुर्रियत को बचा देती हैं और दूसरी तरफ अगर वो उसने हुर्रियत के ख़िलाफ़ बोला तो उसको इंडियन इंटेलिजेंस का एजेंट बता दिया, ये एतराज़ की बात है। कोई भी हो, उसका हश्र वही होगा जो बुरहान वानी का हुआ। हम उससे कोई हमदर्दी नहीं रखते। इस्लामिक स्टेट का वजूद उसकी जड़ से यहाँ मिटाएंगे। हिंदुस्तान की सरजमी उसको कभी भी इजाज़त देने वाली नहीं है। उसके दिल में ये डर पैदा होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान है, यहाँ नरेंद्र मोदी है, जो इस तरह की सोच रखेगा इस्लामिक स्टेट की वो वहाँ दफन किया जाएगा, वो बच नहीं सकता। लेकिन उसको इंडियन इंटेलिजेंस का एजेंट कहकर शबनम लोन बहुत गलत कह रही हैं, इस तरह की बात के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हम कहीं से इसकी इजाज़त नहीं देंगे। और जो लोग भी हुर्रियत के अंदर या ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं बातचीत बंद कर दी, मैं एक्सपोज करने की बात नहीं कर रही थी, मैं उनको एक्सपोर्ट करने की बात कर रही थी, जहां उन्हें जिससे मोहब्बत है, जिस मुल्क से, वहां पर उनको एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर देते हैं? कौन से हाथ बांधे हुए हैं सरकार के, मैं ये समझना चाह रही थी। राजीव त्यागी साहब, ये आज आया है 2 मिनट का वो वीडियो जिसमें ये कह रहा है जाकिर मूसा कि देखिए हम तो चाहते हैं कि यहाँ पर शरिया कानून लागू हो जाए, लेकिन ये तो तभी समझ जाना चाहिए था 1990 में जब कश्मीरी पंडितों के साथ नरसंहार हो रहा था, जब उनको वहाँ उनके घरों से बाहर निकाला फेंका खदेड़ा जा रहा था, तभी समझ में आ जाना चाहिए कि एजेंडा क्या है। ये बात सही है आपकी कि 89 में निश्चित रूप से कश्मीर बहुत डिस्टर्ब हुआ, और बहुत स्पष्ट मैं कह दूं कि जाकिर मूसा हो, बुरहान वानी हो या कोई भी आतंकवादी हो, हमारी देश की सेना सक्षम है, हमारी पुलिस व्यवस्था सक्षम है ऐसे इस तरह के लोगों को काउंटर करने के लिए, इस तरह के लोगों की लाशों को बिछाने के लिए हमारी मिलिट्री पूरी तरह से सक्षम है, और हमें कतई मिलिट्री के रहते हुए डरने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह के लोग बाग कहीं ना कहीं इस तरह के बयान दे करके अपने आप को लाइमलाइट में लाने की बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, देखिए बहुत स्पष्ट मैं कर दूं कि पाकिस्तान निश्चित रूप से धर्म के आधार पर बना, और धर्म के आधार पर बनने की वजह से पाकिस्तान किस तरह से डिस्टर्ब देश है ये पूरा विश्व जानता है। भारतवर्ष धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना, और किसी धर्म को ना मान करके उन्होंने मानवता को माना, भारत के जो संविधान निर्माता थे, और मानवता को लेकर के चले। आज भारतवर्ष निश्चित रूप से भारत की विश्व में एक शक्ति है, और शक्ति को सभी लोग बाग बात करते हैं, अमेरिका से लेके, रूस से लेके, चाइना से लेके, जितने भी उन्नत देश हैं, या फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, सब लोग बाग भारतवर्ष से बात करके दोस्ती की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे हुक्मरान उस टाइम के बिल्कुल ठीक थे, उन्होंने धर्म के आधार पर कहीं भी भारतवर्ष की नींव नहीं रखी और धर्मनिरपेक्षता को लेकर के चले।
मैं एक बात कहना चाहता हूं, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आतंकवादियों से भयभीत होने की हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकार को बातचीत जारी रखनी चाहिए। वो पॉलिटिकल प्रोसेस निश्चित रूप से दो दल हैं राष्ट्र वहाँ पर, जो नेशनल जो स्टेट के दल हैं एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ में पीडीपी, इन दोनों को कॉन्फिडेंस में लेकर के राष्ट्रीय दलों को सबको बैठा करके बातचीत करनी चाहिए। अरे लेकिन आप तो उन अलगाववादियों से भी बातचीत की पैरोकार रहे हैं ना, आप उनको तो एक्सपोज कर दिया है इस आतंकवादी ने, अब उस पर आप क्या कहेंगे? यानी अब तक की जो आपकी नीति थी कश्मीर को लेकर वो गड़बड़ी चल रही थी, गलत चल रही थी, क्योंकि आज वो एक्सपोज हो गए हैं। मैं एक सेकंड डेढ़ मिनट दे दूं, फिर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा आलोक जी। देखिए आपने जो अभी शुरुआत की है, सचमुच में आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई संगठन। सही बात यह है कि वो लोग जैसे कहते हैं किराए के, और उनको कहीं ना कहीं से इस तरह का फंडिंग। और मैं अभी भी ये कहूँगा कि ऐसा कोई इस्लामिक स्टेट जैसा सीरिया और वहाँ पर कोशिश की जा रही है, ऐसा भारत के आसपास तो कभी बन ही नहीं सकता है। पाकिस्तान की बात छोड़ दें, कश्मीर को कोई भी किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं कर सकता। वहाँ का यंग जो आदमी है, यंग है, वो रोज़गार चाहता है, वो तरक्की चाहता है। उनको उनको कहीं ना कहीं भड़का करके, और जिस तरह हुर्रियत, और ये देखिए वो भी कई बार पैसा लेकर के कभी कुछ करते थे आतंकवादी, उनको इस्तेमाल पाकिस्तान का भी इस्तेमाल करता था, इसलिए उनमें भी बंटवारा हो रहा है। और आप देखिए जिस तरह की बात अब सामने आ रही है, अब उनको भी सूली पर लटकाने की बात वो आतंकवादी गुट करने लगे, जो पूरी दुनिया को तबाही के लिए जो काम करते हैं। ऐसे संगठनों से कश्मीर को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ के लोग, और अभी भी ये कहेंगे कोई पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसकी हालत कितनी बदतर है, वहाँ झांक करके भी आप देखेंगे तो हमारे कश्मीर जितना अच्छा है उससे बहुत बदतर हालत में है। हम लोग वहाँ गए हैं, देखा है कितने उनको ट्रेन कर करके भारत के खिलाफ कोशिश की जाती है। वहाँ हमारे सैनिकों के साथ जो होता है वो भी उन लोगों को ट्रेन करके किसी भेस में भेज देते हैं, कभी सैनिक खुद आकर जाते हैं। मुझे लगता है इसका जवाब कश्मीर के आवाम को समझना पड़ेगा कि वो कठपुतली न बने और ऐसे किसी धर्म के नाम पर इस तरह से न फंसे। लेकिन यहाँ तो धर्म का ही चोला ओढ़ा हुआ है आलोक जी, यही तो बड़ी दिक्कत है। शबनम नून, आप आज तक बुरहान वानी को आतंकवादी या गद्दार नहीं कह पाई हैं। आज ये जाकिर मूसा जब इन हुर्रियत वालों की जुबान नहीं बोल पा रहा है, उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो आप उन्हें गद्दार कह रही हैं, और आज आप इंडियन इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी बता रही हैं, और जो बात शाहनवाज कह रहे हैं कि क्यों ना माना जाए कि आप नेशनलिज्म भी हाफ हार्टेडली कर रही हैं, जो है साफ कह दीजिए ना। मैं आपसे बिल्कुल वसूक और दयानत से बात करती हूँ। सबसे पहले रूबिका, मैंने आपको बार बार सुना है एक बात कहते हुए कि हुर्रियत वालों को आपने पैसे दिए। मैं हुर्रियत वालों की स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मगर ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किनको फाइनेंस करती रही है पिछले 70 सालों से? फारूक अब्दुल्ला को अगर जुकाम भी होगा तो 500 रुपये का बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे करती है। इसी तरह से मुफ्ती मोहम्मद सईद को अगर 50 रुपए की दवाई खरीदी होगी तो पिछले 50 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कर रही है। वो मंत्री हैं, सांसद रहे हैं, कोई भी राजनीतिक पद पर जो बैठा होता है, यकीन रखते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, सुनिए, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। शबनम नून, किसने कहा आप इतनी ज्यादा है? उनको भी ये इस तरह से इल्जाम लगा रही है और देश के नेताओं जो पार्लियामेंट में जो हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखते हैं उनके ऊपर भी उंगली उठा रही है। कॉन्स्पायरेसी केस में उनके वालिद मफलूज थे, उनकी वालिदा उसमें इन्वॉल्व थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो केस विड्रॉ किया। वो केस ये था कि करोड़ों रुपया आईएसआई से आया। और जो रूबिका के सवालों का जवाब दीजिए कि आप हुर्रियत को डिफेंड क्यों करती हैं? आप ये जवाब दीजिए, आप हिस्ट्री मत बताइए, हिस्ट्री हम पढ़ लेंगे, पढ़ा हुआ है। अभी बताइए हुर्रियत को डिफेंड क्यों करती हैं आप? हुर्रियत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलती, आपका एजेंडा है आपको मीडिया के सामने रख रही होती है। लेकिन मैं आपको हकायक से वाकिफ कर रही हूँ, मेरा काम है सही बोलना, और मैं कोशिश करती हूँ कश्मीर की बेटी होने के नाते कि मैं आपको सही बात बोलूं और सच बात बोलूं, ताकि हम आप हमें सही बात बोले ना बोले, तो सही कश्मीरियों को तो सही बात बता सकती हैं।
जाकिर मूसा एक गद्दार है, एक आतंकवादी, आप ये कह सकती है। बुरहान वानी आतंकवादी नहीं है, वो डी ट्रैक हो गया बच्चा है। इतना सेलेक्टिव क्यों है शबनम आप? देखिए सारे कश्मीर के लाखों लोग, नहीं आपने, आपने अगर समझना है इस बात को, कश्मीर के लाखों लोग बुरहान को आतंकवादी नहीं मानते हैं, तो इस बात पे आपको समझना पड़ेगा। जो आपको कहा वो क्या मानते हैं? कश्मीर क्यों मूसा को भी बहुत लोग आतंकवादी नहीं मानते, फिर वो गद्दार कैसे हो गया? क्योंकि उसने हुर्रियत के खिलाफ बोला। मूसा जो है क्योंकि उसने गर्दन काटने की धमकी दी, क्योंकि उसने हुर्रियत वालों को एक्सपोज कर दिया। वो मूसा जो है वो बागड़ बिल्ली, वो पता नहीं कौन है, ये जो इस वक्त वो बयान दे रहा है। बुरहान वानी तो आपका था, लॉलीपॉप लेकर फोटो खिंचवा रहे थे ना शबनम, कि ये आतंकवादी AK-47 आपको लॉलीपॉप दिख रही थी, कत्लोगारत वो खूंखार नहीं था, कश्मीरी को नहीं मारेगा, हम वहाँ पर कत्लोगारत नहीं होने देंगे। जो भी तारक फतेह साहब इंटेलिजेंस का एजेंट क्यों कहा आपने? आप किसके एजेंट हैं बताइए? पाकिस्तान के हैं। मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको एजेंट क्यों कहा? माफी मांगिए इस बात पे। बहुत अच्छा सवाल किया शहनवाज भाई, मैं आपको बताती हूं। जो इस्लामिक स्टेट की बात करता हो, जो मुल्क को तोड़ने की बात करता हो, देखिए शबनम आपने गलत बयानी की है, ये गलत बयानी है आपने। आप बात वापिस लीजिए, मैं जवाब देती हूँ। अगर आप, अगर आपको हिम्मत है जवाब सुनने की तो सुन लीजिए आराम से। देखिए 90s में जब कश्मीर में जबरदस्त शुरू हुई, तो इसी तर्ज पे एक जमात थी अल्लाह टाइगर्स, उन्होंने वहां पर ऐसा आतंक मचाया इस्लाम के नाम पर, लड़कियों पे उन्होंने एसिड फेंके कि बुरके पहनाओ, और किसी की बेटी बाहर नहीं निकल सकती थी। और आपको पता है एंड पे क्या हुआ? वो अल्लाह टाइगर का जो वो लीडर है, वो आज उसको, वो एक इस वक्त जर्नलिस्ट बना हुआ है, और उसको हिंदुस्तान ने इतना बड़ा ऑफिस दिया, वो इस वक्त एक मंत्री के साथ साथ चल रहा होता है। उसके बिना पर हम सब यही लगा रहे हैं कि कहीं ये भी वही अल्लाह टाइगर का हेड तो नहीं है, जिस तरह से 91 में उबारा गया था। आप 91 में बहुत जल्दी पहुंच गए आप, अल्लाह टाइगर जो है 89 और 90 को भी याद कर लीजिए, वो एक इस वक्त 89 और 90 को भी याद कर लीजिए। आप लोगों ने उसको पैसा दिया, आप तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखती हैं, गलत कामों के लिए जाता है, आप गलत लोगों के पास जाता है। इतनी कॉन्फिडेंट है आप, इतनी स्ट्रांग बातें जब सामने रखती है, तो इतनी भी तो हिम्मत रखिए कि गलत को गलत और सही को सही बता सके आप। क्योंकि वो गलत था तो हम गलत ना हो, ये 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 कौन सा वाला एक्सक्यूज है? मेरे समझ में नहीं आता शबनम, ये इतनी हिम्मत रखी है ना तारिक फतेह साहब। देखिए ये सारा क्या, किस चीज के लिए है कि अगर आपने एक इशू सामने लेके आए तो शबनम लोन दूसरी बात शुरू कर देंगी, आप उसको एड्रेस करेंगी तो वो किसी अल्लाह टाइगर्स में चली जाएंगी, आप अल्लाह टाइगर्स की बात करेंगी तो वो किसी और मामले में चली जाएंगी। इनका और इनके साथियों का एक ही एजेंडा है, वो ये कि कभी भी नुक्ते पे बात ना करें और किसी तरह भी इस प्रॉब्लम का सलूशन ना ऑफर करें। क्या सलूशन ऑफर करते हैं आप, जबकि आप खुद मान रही हैं कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं वो बुरहान वानी को हीरो मान रहे हैं, तो इसका मतलब एक आइडियोलॉजिकल क्राइसिस तो आ गया ना। कोई तो लेके कह रहा है इन बच्चों को कि वो हीरो है, कि बुरहान वानी, जब बुरहान वानी की लास्ट स्टेटमेंट में उसने कहा कि मैं आजादी के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह साहब वहां बहुत ज्यादती हुई है, वहां छोटे छोटे 8 साल 7 साल के बच्चों को गोलियों से मारा गया है, उनका कोई कसूर नहीं था। एक एक 6 साल का बच्चा 9 अप्रैल को, अरे महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की सीएम है, वो ये कह रही है कि छोटे छोटे बच्चे गोली मारी उसके सर पर, खरीदने जा रहे हैं लाठीचार्ज क्यों नहीं किया था? टॉफी खरीदने गए थे हाथ बाजू तोड़ने, अरे शब्द, 1 सेकंड सुनिए, आपको ये बात समझ में नहीं आती है कि जितने भी आतंकवादी है, मेरी बात, जितने भी अलगाववादी है, शब्द सुनिए आप मेरी बात, आप मेरी बात सुनिए। आपको क्या लगता है ये अलगाववादी और ये जितने भी आतंकवादी हैं, ये इतने डरपोक हैं, ये इतने कावर्ड हैं?
हैं, ये इतने गलीज लोग हैं कि ये बच्चों का सहारा लेते हैं, उनके हाथ में पत्थर देते हैं के खिलाफ प्रोपेगेंडा के लिए टीवी पे आते हैं। साथ अगर कुछ हो जाए तो आप जैसे लोग खड़ा कर दें कि ये देखिए बच्चों के साथ ज्यादती हुई है। आप ये नहीं समझ रहे हैं, बंदूक से लड़ रहे हैं और उसी हुरियत को, उसी टेररिस्ट को आप यहाँ डिफेंड करती हैं, तो वो हम उनके, उनके मां नहीं यहाँ से गौरक्षक कहाँ से आ गए इसमें? लेकिन इसमें गौरक्षक कैसे आ गए? आप ये कहती हैं अगर आप इस देश से गद्दारी करोगे तो इन हुर्रियत के नेताओं जैसा हाल होगा, जो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अब ये दो कौड़ी के आतंकवादी अब उनको धमकियां दे रहे हैं कि सर कलम कर देंगे, टारगेट पूरा कर दो, ये सुपारी किलिंग और सुपारी टेररिज्म जो है उसे पूरा कर दो। आप समझ नहीं रही है इस बात को। आतंकवादियों की तरफ से जाकिर मूसा, हालांकि ये स्ट्रेटजी उनकी हो सकती है हिजबुल मुजाहिदीन की, ये कहते हुए कि भाई हमारा इस जाकिर से कोई लेना देना नहीं, जाकिर मूसा से कोई लेना देना नहीं है, माफ कीजिएगा, लेकिन अब इन हुर्रियत के नेताओं के साथ देश को किया करना क्या चाहिए या सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर जवाब शाहनवाज हुसैन साहब आप मुझे दे पाएंगे। जवाब दे उससे पहले मैं जरा देश के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ। हर साल इन अलगाववादियों पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होता है। अलगाववादियों के होटल बिल पर सालाना करीब 4 करोड़ रुपए खर्च होते हैं हुर्रियत के। हाँ, कश्मीर में अलगाववादियों के लिए करीब 500 कमरे बुक रहते हैं हमेशा। अलगाववादियों की गाड़ियों पर ही सालाना करीब 5.2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और 1500 पुलिसकर्मी अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। सर, इनका ये हनीमून पीरियड कब ओवर होगा? शाहनवाज हुसैन साहब, देखिए, एक बड़ी लड़ाई हमारी सरकार और ये देश लड़ रहा है कश्मीर के अंदर, और मैं आपसे कह दूं कि हमारी सरकार है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर ये जो पुराना मर्ज है उसका इलाज कर रहे हैं। कैसे सर? जितनी छूट मिली हुई थी उस 500 रुपया, 500 करोड़, 100 करोड़, 500 कमरे बुक करवा के 100 करोड़ खर्च करके और दुनिया को ये बोल के हम इनसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीछे से इनके खुश रहने के सारे इंतजाम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो देखिए जो ये आंकड़ा दे रही हैं, ये आंकड़ा इसका सोर्स मुझे नहीं मालूम, और मैं आपका आंकड़ा 500 करोड़ उन पर खर्च हो नहीं, 100 करोड़ 500 कमरे, 100 करोड़ 500 कमरे, 100 करोड़ खर्चा करती है सरकार। मैं इसको ये जी मैं ये 100 करोड़ खर्च, हम तो कश्मीर में जो खर्च कर रहे हैं, कश्मीर में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें इन पर कितने खर्च होते हैं इनके सुरक्षा को लेके, तो वो सुरक्षा पर क्या खर्च है, उनके पीछे जो गाड़ियां रहती है वो क्या खर्च है, ये तो हम समझ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि हम लोगों ने एक सख्त रवैया अपनाया है। बहुत से लोग पैरोकार हैं जो कहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान के आइन में यकीन नहीं रखते, जो लोग कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए। हम कहते हैं उनसे बात करेंगे जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं। और ये बहुत बड़ी चाल है कि मूसा को अपना नहीं बताना। शबनम लोन तो हुर्रियत के लोग कहें ना कहें, लेकिन शबनम लोन आकर बता देती हैं कि इंटेलिजेंस का वो एजेंट है। दिक्कत ये है, दुश्वारी ये है कि जो फंडिंग हो रही है कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से या जहीं और से भी हो रही हो, उन फंडिंग के दम पर कुछ अलग अलग बंटवारे का झगड़ा है और जो साजिश हो रही है कि अल्लाह का ये आया था, पॉइंट जवाब नहीं दे रहे हैं, तो मुझे भी लगता है आप कह रहे हैं साजिश बड़ी है, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन अलावा मुंह जोड़ के और कोई जवाब यहाँ दिख नहीं रहा है। बुरहान वानी का जो काम जिस तरीके से उसे उसका काम तमाम किया, आप बाकी आतंकवादियों का काम तमाम क्यों नहीं कर रहे? सरकारें, व्हाट इज द रीजन? राजीव त्यागी सर, हमारे सरकार और जी जी मैं कह दूं सर, हमारी सरकार हमारे प्रधानमंत्री टेलीविजन पर बताकर जवाब नहीं देते सर। रोज जो जवाब देना पाकिस्तान हमारे सैनिक मर रहे हैं, वो ऐसा जवाब मिल रहा है कि वो कड़ा है, उनकी जान जा रही है, वो बता देता है कि हो क्या रहा है। देखिए, हम एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, मैसेज क्लियर और स्ट्रांग होता है, पाकिस्तान नहीं जा रहा, और यही वजह है कि एक के बाद लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सुबह सुबह खबर आ गई सर, हमारे मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सैनिकों पर फिर हम लोगों ने हमला किया, हम उनसे मोर्टार दागे जा रहे हैं यहाँ से, और आप कह रहे हैं हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, मिटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राजीव त्यागी। इसलिए उसकी तुलना, हमारे लोग शहीद होंगे, देखिए हमारे लोग शहीद हुए हैं, लेकिन अब मुझे हम उनके ख्वाब को कभी पूरा नहीं होने देंगे, अधूरे रहेंगे। मुझसे बात रखने के लिए कहा है,
देखिए अभी शबनम लोन जी ने कहा कि एक छोटे से बच्चे को वहाँ कश्मीर में गोली मार दी गई। मैं मानता हूँ कि गोली मारना निश्चित रूप से गलत है, गोली नहीं मारनी चाहिए थी, लेकिन शबनम लोन जी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि विगत 35 महीनों में 2014 से लेकर अब तक 209 जवान शहीद हो गए, वो भी किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के पति थे। तो उनके बारे में शबनम लोन जी का क्या कहना है? शबनम लोन जी ये कह रही है कि कश्मीर जिंदाबाद, या मैं कश्मीर की बेटी हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि मैं यूपी का बेटा हूँ, शहनवाज भाई ये कहने लगे कि शहनवाज भाई ये कहने लगे वो बिहार के बेटे हैं, आलोक मेहता जी कहने लगे वो दिल्ली के बेटे हैं, तो हिंदुस्तान का बेटा कौन होगा, भारतवर्ष का बेटा कौन होगा, भारतवर्ष की बेटी कौन होगी? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा मैं हिंदू नहीं हूं, मैं एक भारतवर्ष का बेटा हूं, सबसे पहले मैं बेटा बनना पसंद करूंगा भारत का, उसके बाद हिंदू या मुसलमान बनना पसंद करूंगा। ये जो राजनीति आप लोग कर रहे हैं ना शबनम लोन जी, ये निश्चित रूप से देश के लिए भी घातक है, आप लोगों के लिए घातक है। मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के आइन में पीडीपी भी विश्वास करती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी विश्वास करती है, क्योंकि वो चुने हुए लोग बाग हैं। अगर आप लोग बाग इतने स्मार्ट प्लेयर्स हैं तो आप कहां करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? वो गलत करती है सर, वो तो जबला से बाहर जाते हैं, वो भी अंग्रेजवादियों की राज रखने लगते हैं। और मैं आपके साथ ही रहे इसका अपने जय ही के राजवादियों बिल्कुल नहीं। और शहनाज भाई से कहना चाहूंगा, नहीं नहीं ऐसे सुनिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीति मत करिए, जो बयानात भारतीय पार्टी के नेताओं ने दिए थे 2014 से पहले, कृपया उन बयानों को देख करके कुछ एक्ट करिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान 1345 बार सीमाओं का अतिक्रमण कर चुका है पिछले 35 महीनों में, 172 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी है पाकिस्तान में, और जिस तरह से हम लड़ रहे हैं, कंप्लीट कर लूं बोला था किया है, और जिस तरह से अभी तक कभी हुआ नहीं है, 98 दुनिया में हमने कॉर्नर किया है आतंकवादी घटनाओं में, चिंता का विषय है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा शबनम लोन जी, आपका एजेंडा भारतवर्ष को बदनाम करने का, जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल कर रही हैं, भारतवर्ष वो देश है जिसने शांति रखी है, हमेशा शांति अपने पड़ोसियों से भी रखी, जब भी लेकिन पड़ोसियों ने हमारे तरफ को आंख टेढ़ी करने का कोशिश की तो हमारी सेना ने, हमारे हुक्मरानों ने बराबर जवाब दिया, चाहे 71 में जवाब दिया, चाहे 65 में जवाब दिया, चाहे काम नहीं चलेगा, अब टाइम चला गया है भाषणबाजी का, आप किसी भी पार्टी की तरफ से भाषण नहीं चलेगा, एक्शन की बात कीजिए। अगर आप एक्शन नहीं कर सकते हैं, आप वैसे भी नहीं कर सकते, सरकार में नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन होने के नाते एक एक्शन जो है वो डिमांड कर लीजिए सर। वैसे आपको बता दूं शबनम लोन साहिबा, आपके लिए एक बुरी खबर आ रही है, खबर ये कि जम्मू कश्मीर के डोडा में लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जिनको आप मासूम कह देती हैं, जिनको आप कह देती हैं कि बरगला दिया गया इन लोगों को, इनके हाथों में AK-47 नहीं लॉलीपॉप आपको नजर आती है, इनको देखिए एक बार फिर से 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, बहुत बड़ा मॉड्यूल था उसे तोड़ दिया गया है। तारिक फतेह साहब, अब मेरा सवाल आपसे है, ये कश्मीर में साहब चल क्या रहा है, आप क्या समझ रहे हैं? आतंकवादियों में फूट हो रही है, इससे हमें खुश हो जाना चाहिए या ये हमें बरगला रहे हैं? ये कोई फूट नहीं है, कोई फूट नहीं है, ये सब एक ही एजेंडा के तहत है, जिसका हिंदुस्तान एक लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी जहां पे मुसलमान और हिंदू बराबर का सिटीजन रह सकता है, बिल्कुल जैसे शाहबुद्दीन साहब ने बात की, शाहनवाज साहब ने बात की, मैं पूरी तायद करता हूं कि ये इनको खटकता है, ये आप हिंदुस्तान घिरा हुआ है हर तरफ से डिक्टेटरशिप्स और अजीब किस्म की फैशिस्ट स्टेट से, चाहे आप शुमाल में देख लीजिए चीन को या पाकिस्तान या अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, हर तरफ एक जजीरा है, आइलैंड है होप का, और ये खटक रहा उन लोगों को जिनका एजेंडा, मैं फिर बात करूंगा, 1947 से चल रहा है कि पाकिस्तान के बाजू काट दो, एक तरफ बंगाल को लग ले जाओ, दूसरी तरफ पाकिस्तान बना दो, और हर दफा इनका खून बहाते रहे। हमें ये चाहिए, मैं एक आउटसाइड ऑब्जर्वर की तरह कहूंगा कनाडा में बैठ के, इन लोगों को जो कश्मीर सारी लीडरशिप इसको एक तलाक दी जाए, इनको तलाक 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 कह के उसके बाद ट्रिपल तलाक पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन इनसे गुफ्तगु खत्म। ये हिंदुस्तान के दुश्मन है, मतलब हिंदुस्तान की सरकार को अब ये चीज क्लियर कर देनी चाहिए, ठीक है शबनम लोग? नहीं, लेकिन हिंदुस्तान रूबिका तारिक फतेह साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे ठीक करवानी होगी, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पहले
हाँ शबनम रूबिका, लेट मी कम इन नाउ रूबिका, सबसे पहले आपके लिए पहले आपके साथ शिकायत है, ये लैंग्वेज मत यूज करें कि आपके लिए एक बुरी खबर है। वो जो आतंकवादी हैं पकड़े जाएं, मैं तो कहती हूँ आर्मी पकड़नी चाहिए जो लोगों को तंग करते हैं, जिन्होंने लोगों का जीना हराम किया उनको पकड़ के गिरफ्तार कर लीजिए। शबनम लोन साहिबा, यही चीज तो आपसे डिमांड की जा रही है कि जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको कहने में डरिए मत। हिंदुस्तान आपके साथ है और रूबिका आप भी सुन ले, नहीं आप भी सुन ले, सुन ले। देखिए ये जो बीजेपी ने गठबंधन किया है, मेरा आपसे भी सवाल है, राजीव साहब भी बैठे हैं और पत्रकार भी बैठे हैं आपके साथ, एक सवाल का मुझे जवाब दें। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए 3 बड़े खतरनाक आतंकवादियों को वहां पर छुड़वाया और उसके बाद मिलिटेंसी को वहां पर इतना रोमांटिसिज्म दिया उन्होंने, क्या वैसे शख्स को कभी भी उस जैसी हिसास जगह का वजीर आला होना चाहिए था? शबनम जी, नहीं। He was a greatest security risk to the integrity of India. ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। जो पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जवाब लेते हैं ना शबनम, एक सेकंड जवाब दीजिए। अब जो बड़ी खबर मैं दर्शकों को बता रही हूँ, एक सेकंड सर, मुझे बस 5 मिनट दे दीजिए, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है। 5 आतंकवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार करना, ये छोटी खबर नहीं है। हमारे साथ राजू केरनी जुड़ गए हैं। राजू, इस पर क्या डिटेल दे रहे हैं हमें? जी रूबिका, ये मामला जो है बीते रविवार 7 मई की रात का है, डोडा जिला के गंदोई इलाके में पुलिस पोस्ट थी, पांगता पुलिस पोस्ट, उस पे रात को कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया था और दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो थे वो उसमें जख्मी हो गए थे। बाद में जो है उनमें से एक की जो है वो मौत हो गई थी। उसके बाद से पुलिस इस मामले की जो है जांच कर रही थी और कल पुलिस को बड़ी भारी सफलता मिली है डोडा जिला में। इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 5 लोग जो है अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। और ये 5 लोग जो है लश्कर ए तैयबा का मॉड्यूल जो है वो है उसको जो है बस किया पुलिस ने। ये वो लश्कर ए तैयबा के लोग थे जो कि उस डोडा जिला में, यहाँ पे कि पिछले 5 सालों को डोडा जिला को मिलिटेंसी फ्री जोन कहा जाता था और वहाँ पे मिलिटेंसी को रिवाइव करने के लिए काम कर रहे थे। इनको बेनकाब कर दिया और 5 आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं उसके साथ कुछ और खुलासे भी हो सकते हैं। आईजी का क्या कुछ कहना है, जल्दी से आपको सुनाते हैं। इसमें टोटल 7 आदमी अरेस्टेड हैं, उसमें जो एक मेन है अब्दुल रशीद हरका, उसका छोटा भाई शौकत और एक दो आदमी और हैं जिन्होंने कि इसमें एक्टिव जो इसमें पार्ट प्ले किया है, कॉन्स्पिरेसी हैच की है। इसके अलावा एक दो सिविलियन है, एक एसपीओ है और एक जो पहले टेरिटोरी आर्मी में काम करता था आर्मी का जवान, वो भी है इसमें शामिल। तो किस तरह एक रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है डोडा में जो आपको मिली है, एक एलईटी का जो आतंकी भी इसमें शामिल है? हरका जो था उसका लिंक था पाकिस्तान में, एक वहाँ पे लोकल मिलिटेंट है जो लोकल मोहम्मद अमीन भट्ट, वो लोकली रहने वाला फक्सू एरिया का है, उसके साथ उसका टच था और उसी की इंस्ट्रक्शन पे वो कोशिश कर रहे थे यहाँ पे रिवाइव करने की, क्योंकि उनको अपने देखिए डोडा में मिलिटेंसी नहीं है, वहाँ पर इन लोगों का पकड़ा जाना ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन शबनम लोन ने जो बातें की 20 सेकंड में, आलोक मेहता साहब उसका जवाब देते। देखिए मैं शबनम जी को याद दिलाना चाहूँगा, उनके वालिद अब्दुल गनी लोन साहब, उन्होंने तो इन सब के साथ काम किया डेमोक्रेसी में जुड़ कर के, फारूक अब्दुल्ला हो या मुफ्ती साहब हो। इसीलिए देखिए ये सही है, हम सबको तकलीफ होती है, मैं लोन साहब से मैं मिला हुआ हूँ, इसलिए मुझे लगता है तकलीफ होती है कि आप जैसे लोग हुर्रियत को क्यों सपोर्ट करें, आप क्यों, आप जितने लोग हैं हुर्रियत को भी आप अलग काट करके रखें, आप कहें कि नहीं जो मुल्क है वो एक है, जम्मू कश्मीर भी वही हिस्सा है इंडिया का, उन लोगों को भी समझाएं। आप उनका जब वकालत करने लगते हैं आतंकवादियों के साथ आप दिखाई देती है जिन्होंने जिनकी वजह से आपके वालिद मारे गए, ये जब तक जम्मू कश्मीर की जनता नहीं समझेगी कि उन लोगों के साथ कहीं भी हाथ जोड़ने से उनके फायदा होता है। और ये डेंजरस तब हो जाता है जब आप जैसे ज़हीन लोग उनका सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अब ये टाइम है कि दूध का दूध पानी का पानी, ब्लैक एंड व्हाइट, नो ग्रे एरियाज रहने की जरूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान ये जानता है, मानता है और पाकिस्तान को मनवा कर रहेगा कि ये हमारा अभिन्न अंग है, हाथ मत लगाना, आग भी मत उठाना।